गुलबर्गा शहर के रोजा एरिया नरोना गली में हिंदू मुस्लिम मिलकर 26 जनवरी यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर भाईचारगी का पैगाम देते नजर आए हैं। गुलबर्गा रोजा एरिया हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के जिम्मेदार हमेशा से हर मजहबी ईद त्यौहार और इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे वगैरह सेलिब्रेट कर मोहब्बत बांटते नजर आते हैं। आजकल जिस तरह धर्म की राजनीति कर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे माहौल में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी उन नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर फ्लैग होस्टिंग कर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने भाईचारगी से मिलकर देश को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी से मोहम्मद जिलानी, कंद बसवेश्वर, रोजा मठ स्वामी, मजर मौलाना दत्तू जी, यूसुफ मौलाना, शशिकांत, सलीम मौलाना और दीगर कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। रिपब्लिक डे जश्न जमहूरिया 26 जनवरी वार्ड नंबर 19 नरोना गली हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जानिब से कंज बशीर रोजा मठ के हमारे स्वामी जी, मजर मोल साहब, यूसुफ मोल साहब, हीरालाल मामा, शशिकांत जी, दत्तू जी, सलीम मोल साहब, बरादरान वतन को हम सब दिल की गहराइयों से जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन, हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुल सीता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान एक है, एकता हमारी जान है और हमारी शान है, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की पहचान है। जय हिंद, जय हिंद, जय कर्नाटक, हमारा भारत मान। रिपब्लिक डे जश्न यौम जमहूरिया जो 74वां जश्न मनाया जा रहा है, वार्ड नंबर 19 नरूना गली रूबरू बारगह बंदनवास के सामने हर साल हमारे मठ के स्वामी और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब जिलानी साहब, सोशल वर्कर और हमारे मजहर साहब और दीगर यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर हर साल यहाँ पे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तिरंगे को लहराया जाता है और सलामी दी जाती है और हर साल पूरी दुनिया में ये मदारिस दीनिया और कॉलेजेस, स्कूल्स में और सरकारी दफ्तर में तिरंगे को लहराया जाता है क्योंकि आज 26 जनवरी है जिसमें हमारा मुल्क का दस्तूर बना और क़ानून नाफिज हुआ था। इसी बात पे मैं जश्न यौम जमहूरिया 26 जनवरी के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से और रोज़ा मठ के स्वामी जी की जानिब से बारगाह बंदनवास गेसुदराद रहमतुल्लाह अलैह के दामन में और रोज़ा मठ के बिल्कुल बगल में जश्न यौम जमहूरिया बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बनाया गया और तिरंगे को सलामी पेश की गई। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि हम सब के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत अजीम दिन है क्योंकि आज हिंदुस्तान का कानून बनाया गया और हिंदुस्तान के कानून को नाफिज़ किया गया। मैं आज सब हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी मैं हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों को इस देश की आज़ादी पर मुबारकबाद देना यह है कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब जो हमें एक हिंदुस्तान की आज़ादी पर हमें हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जो हम कायम किए हैं इसकी सबसे बड़ी मुबारकबाद यह है कि देश की आज़ादी में भी हमारे लोग जो शहीद हुए हैं ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि उनके शहीद होने पर तमाम आज ये खुशियाँ हमको मिल रहे हैं कि हमारी आज़ादी ऐसे हासिल नहीं हुई है। इसमें जो है ना सभी कौम के लोग अपना हक अदा करते हुए अपने जानों को कुर्बान करते हुए इस मुल्क को बचाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है शायद ही पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि इतने कौम हमारे इस हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं। तो सबसे बड़ी मुबारकबाद यह है कि आज भी सरकार ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। मैं सबसे पहले यौम जमहूरिया की आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और बिलखुसूस ये जो एकता कमेटी है यहाँ पे चौक की मस्जिद के पास हर साल बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर बहुत शानदार तरीके से मनाते हैं और हर साल सर्कल साहब भी आते हैं यहाँ पे और तमाम लोग एक इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे सरजमीन ख्वाजा बंदनवाज़ गेसुदराज़ बुलंद परवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दर पर जो मनाते हैं मैं इन तमाम साथियों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।